व्हाट्स अप माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूं आपका होस्ट विक्की और गाइस स्वागत आप सबका फिर से गैंगस्टार वेगस में। तो गाइस जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, अपन ने गाइस केरन की जान बचाई, बट गाइस जैसा कि आपको पता है वीरा का एक्सीडेंट हो चुका और गाइस उसने अपने लिए अपना मतलब बोले तो सेक्रीफाइस कर दिया और गाइस अपने को बचा लिया था। बट गाइस वहां से अपन बोर्ड लेके निकल चुके थे और गाइस अब अपने को करना अपना नेक्स्ट मिशन। तो गाइस अपन मिशन स्टार्ट करें, उससे पहले मैं सबसे पहले शाउट आउट देना चाहूंगा गेमिंग आर्मी को, जो कि गाइस अपनी फैमिली के एक न्यू मेंबर और साथ में गाइस इन्होंने एक शानदार सा कमेंट किया शाउट आउट देने के लिए, बोला आप चाहो तो आप भी कमेंट कर सकते हो, आपके कमेंट को नेक्स्ट वीडियो में जरूर शाउट आउट मिल जाएगा। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो अपना चैप्टर 4 है बैड डे। वैसे भी गाइस आपको पता अभी अपना बैड डे ही चल रहा है, बट कोई नहीं। और गाइस इस मिशन में अपने को केरन को प्रोटेक्ट करना है जब तक कि वो कुछ स्टीम को उड़ाए, मतलब गाइज कुछ मतलब जो या नल्ले गैंगस्टर्स है इन्हें वो उड़ाए, उससे पहले अपने को उससे प्रोटेक्ट करना है। वैसे गाइज अपन तो उसे प्रोटेक्ट करने वाले ही हैं, वो जिंदगी भर, वैसे जिंदगी भर नहीं करेंगे, अभी अभी करना है अपने को प्रोटेक्ट। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हो फाइनली अपना मिशन स्टार्ट हो चुका और गाइज ये केरन क्या बोल रही है, तो गाइज ये केरन अपन से अभी भी गुस्सा है क्या यार, मुझे नहीं पता था। तो गाइज जैसा कि आपको पता अपनी वजह से सारी दिक्कतें खड़ी हुई है। वैसे गाइज अपनी गलती नहीं थी, बट कर क्या सकते, अनजाने में भी अपनी गलती थी आप मान सकते हो। तो गाइज अब ये बोल रही है कि ये तुम्हारी फाइट नहीं है, ये मेरी फाइट है, मुझे अपने आप को अपने आप फाइट करनी है। और सच्ची बताऊं तो गाइज इसका दिमाग घूम चुका है, इसी अपनी वैल्यू नहीं पता है। बट गाइज कर भी क्या सकते हैं, अपने पास कोई और ऑप्शन नहीं है। बट गाइज अभी अपने को इसे फॉलो करना पड़ेगा और गाइज अपने पास अपनी नल्ली सी कार है। वैसे गाइज मेरी मेन कार एक हाई टाइप का रोलर ट्रक नहीं मान सकते, बट गाइज एक बग्गी लेवल की कार है जो कि गाइज बहुत शानदार लेवल पर है। बट कोई नहीं, तो गाइज अभी अपन इस केरन को फॉलो करते हैं, निश्चित दूरी पर अपने को इसे फॉलो करना है, मतलब ना ज़्यादा दूर जाना है ना ज़्यादा पास में जाना है। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हो अपन अभी भी केरन को फॉलो कर रहे हैं और वैसे गाइज गर्मियां बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी है, मेरा मतलब आजकल तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है और उसके बहुत सारे कारण से है, बट उनके बारे में कभी विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बता देना। और वैसे गाइज आप मेरा गेम प्ले रोज देखते हो या नहीं देखते हो वो भी कमेंट में बताना, अपना कोई सजेशन हो कमेंट में बता देना। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हो फाइनली केरन अपने से 90 मीटर कुछ दूर है और वैसे गाइज क्या गाड़ी चला रही है यार, उसका दिमाग खराब हो चुका है, कोई उसे ट्रैफिक रूल्स तो समझाओ, मतलब पता नहीं इसका दिमाग क्यों खराब हो चुका। और वैसे गाइज आपको पता दिमाग खराब होना तो होना ही था, मतलब अपन की वजह से गाइज वीरा चली गई, वैसे देखा जाए तो मर चुकी है, बट क्या कर सकते हैं। साथ में गाइज अपन ने केरन को पकड़वा दिया था और वैसे अपने को पता नहीं था ये कार की डिग्गी में है क्या, मतलब अपनी गलती थी। बट कोई नहीं, फाइनली अपन ने केरन को सेव कर लिया और गाइज अब आपको मैं बता दूं अपना चैप्टर 4 स्टार्ट हो चुका है बैड डे। और साथ में गाइज अपने पास 2-4 कुछ और मिशंस है, उसके बाद गाइज अपना ये गैंगस्टर वेगस कंप्लीट हो जाएगा। और गाइज जहाँ तक हो सकेगा मैं ट्राई करूंगा कि इसके बाद एक नेक्स्ट स्टोरी लाइन चालू करने का, बट देखते हैं क्या पता हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्यों गाइज मेरे एग्जाम्स और आ रहे हैं। और गाइज जैसा कि आप देख सकते हो मतलब वीर अभी केरन को पंगा हो गया ना फालतू में, मतलब इन जो ये नल्ले गैंगस्टर्स है इन्होंने रोक लिया केरन को। और सच्ची बताऊँ भाई क्यों पंगा ले रहे, तुम्हें पता नहीं वो अपनी बंदी है, वैसे बंदी नहीं है बट गाइज आपको पता अपनी फ्रेंड है तो आप समझ सकते हो। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हो आप केरन से बात कर रहे हो और गाइज ये अपन को बोल रहे हैं निकल जाओ वापस। अरे यार केरन क्या बोलते भाई, इतना गुस्सा कौन करता है यार। बट और गाइज ये देखो फालतू में और गैंगस्टर्स आ गए, अबे इन गैंगस्टर्स को पता नहीं है, ये अपन को जानते नहीं है यार, अपना नाम एकदम चलता है एकदम पॉलिटिक्स में, वैसे पॉलिटिक्स नहीं चल रही है यहाँ पे, बट क्या कर सकते हैं। तो गाइज जो रेनफोर्समेंट आया था उसको भी अपन ने उड़ा डाला। तो गाइज ये कह रहा है देयर आर टू मैनी, और गाइज अभी भी बहुत सारे गैंगस्टर्स आ रहे हैं, अपन को कार लेके यहीं से निकलना होगा। तो गाइज कार चलाने वाली है केरन और गाइज अपने को सिर्फ कार से मतलब गन से इन्हें फोड़ना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने पास इन्फिनिटी गोलियां है, साथ में गाइज एकेएम है, वैसे एकेएम का रिकॉइल मुझे पता है ज़्यादा है, बट क्या कर सकते हैं गाइज अपने पास अभी वेपन एक्सचेंज का ऑप्शन नहीं है, वरना तो मेरे पास लॉन्चर वगैरह बहुत सारे हैं उनसे उड़ा डालता है, वैसे ऐसे भी उड़ा डालेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और गाइज जो ये मेरे पास कार है मेरा मतलब गाइज ये उसकी कार है केरन की, और मेरे पास तो वो एक खटारा सी कार है, क्या कर सकते हैं गाइज गरीबी से बुरा हाल है। और गाइज जो केरन की कार है वो है डो चार्जर 1990, और जिसे नहीं पता गाइज उसे बता दूं डो चार्जर वही फास्ट एंड फ्यूरियस वाली कार है जो कि गाइज डोम इस्तेमाल करता था, मतलब जो इसके आगे ये लगा हुआ है वो तो आपको पता ही है। और गाइज नोटिफिकेशन भी बहुत अलग ही लेवल पर आ रहे हैं, बट क्या कर सकते हैं गाइज अभी अपने पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है, मैंने तो साइलेंट यानी वाइब्रेट मोड पर कर रखा है। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हो 2-4 कार्स को मैंने उड़ा दिया और गाइज अपनी कार्स उड़ने वाली थी उससे पहले मैंने रिपेयर भी कर लिया है,
और गाइज अब अपन अपना एक ही मिशन करेंगे। वैसे भी आपको पता है आजकल मैं एक ही मिशन ऐड करता हूँ, फालतू में ज़्यादा मिशन ऐड नहीं करते, क्यों गाइज जिससे वीडियो लंबा हो जाता है और मेरे पास नेट की कमी पड़ जाती है। आपको पता है नेट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। चलो छोड़ो, तो गाइज आपको गेम प्ले कैसा लगता है मुझे कमेंट में जरूर बता देना। मुझे पता है गाइज कमेंट्री में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है आजकल, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, मतलब माइक नहीं है साथ में। गाइज अब गर्मी आ गई है तो पंखा चला के रखते हैं, तो उससे माइक में, वैसे भी फ़ोन के माइक से जो अपन कॉल वाला माइक होता है उससे रिकॉर्डिंग करते हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कत वैसे भी हो जाती है। कोई नहीं गाइज, अभी आप देख सकते हो और मुझे नहीं पता कितने सोल्जर्स जो भी है मेरा मतलब नल्ले गैंगस्टर्स आने वाले हैं। आई होप सबको मैंने कंप्लीट कर दिया, दो चार और आएंगे उनकी भी अपन बैंड बजा देंगे, जैसा कि आप देख सकते हो पीछे रह चुके हैं। और वैसे गाइज केरन की ड्राइविंग बहुत ज़्यादा ओपी लेवल की है, मतलब अब भी अपन ड्राइविंग कर रहे होते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ बिड़ा डालते कार को। और वैसे गाइज कार का लुक बहुत ज़्यादा शानदार है, आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बता देना। वैसे गाइज कमेंट करते करते थक जाओ तो थोड़ा बहुत आराम कर लेना। वैसे गाइज वीडियो को पूरा एंड तक देखा करो यार, जिससे मेरा ऑडियो रिटेंशन ज़्यादा है और ऑडियंस रिटेंशन। और गाइज ये वार्निंग किस चीज़ की थी, तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हो फाइनली। और गाइज ये जैसन भाई अपन बोल रहे हैं केरन यार अपन तुम्हारी साइड है, क्यों फालतू में पंगे लेते फिर रही है, बट गाइज क्या कर सकते हैं। तो गाइज फाइनली ये मान चुकी है वैसे अपनी बात और मान नहीं थी, तो गाइज अब आपको पता है अपन वीरा का बदला जरूर लेंगे। और वैसे भी गाइज अपना मेन टारगेट फ्रैंक है, सब कुछ फ्रैंक की वजह से हुआ। वैसे गाइज बेनी ने भी उसका साथ दिया, उससे भी अपन कंप्लीट करेंगे। उससे पहले गाइज अभी आप इतना ही देखो, आपको गेम प्ले कैसा लगा नेक्स्ट एपिसोड के लिए रेडी रहना। गेम प्ले कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को गाइज लाइक और शेयर कर देना। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable.